दोस्तों कुछ दिनों से मुझे कमेंट मिल रहा था कि आपका जो भी साउंड है वीडियो का वो सही तरीके से आ नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो कंप्यूटर था वो ख़राब हो चुका है। मेरा जो मदरबोर्ड था कंप्यूटर का, उसका मतलब मदरबोर्ड जो है डेड हो चुका है, वो रिप्लेसमेंट में गया है, ठीक है। वो सर्विस सेंटर में दिया हुआ है, सर्विस सेंटर में। तो इसलिए जो है वो माइक जो था वो कंप्यूटर के माइक था, मेरे पास कोई अदर माइक नहीं था। तो इसलिए मैं बिना माइक के आप यूज़ किए हुए आप लोगों के साथ बात करता था डायरेक्टली फ़ोन पे, और पीछे जो है पंखा भी चल रहा था, जो साउंड था वो साउंड आ रहा था, और नॉइज़ कैंसलेशन करने पर साउंड जो है थोड़ा सा क्रैक हो जा रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों को सही तरीके से साउंड नहीं आ रहा था। लेकिन आज जो है मैंने जुगाड़ निकाल लिया, जो माइक था कंप्यूटर का उसका जो है तोड़फोड़ मैं कर दिया, और उसके अंदर मोबाइल का माइक जो है इसमें घुसा दिया। तो अभी जो है आप लोगों को शायद आप लोगों को सही तरीके से साउंड मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है इतना एडजस्ट किए साउंड जो है, आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे साउंड के ऊपर, आप लोग एडजस्ट किए, इसके लिए आप लोगों को थैंक्स कि आप लोग सपोर्ट किए, आप लोग थोड़ा सा जो है एडजस्ट किए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आप लोग टाइटल और थंबनेल में देखा होगा, कॉल नहीं उठाने पर नया खेल शुरू। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, ये कॉल नहीं उठाने पर आप लोगों के साथ क्या नया खेल शुरू कर रहा है। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ है सभी डिफॉल्टर्स के साथ होने वाला है, क्योंकि आप सभी जो है कॉल्स उठाते नहीं हो, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को कॉल मत उठाओ। तो यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वीडियो के थ्रू, आप लोगों को सारा कुछ डिटेल्स पता चलेगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लर्निंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर मानो आप लोग लोन लेते हो कोई भी लोन कंपनी से, और अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हो और आपके पास कॉल्स आता है और आप लोग इग्नोर करते हो, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी के टाइम में नया खेल शुरू किया है। अब ये खेल क्या है, ये आज का नया नहीं है, चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। क्या खेल है, पहले ये करता नहीं था, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाता नहीं था, अब जो है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाना शुरू कर दिया है। कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाके आपके बारे में गलत सलत बोलना चालू कर दिया है, ये बंदे ने लोन लिया था इतना, ये जो है पैसा नहीं दे रहा है, आपका नंबर दे दिया है। आप लोग समझो, आपका नंबर दे दिया है, ये एक गलत वर्ड यूज़ कर रहा है, मतलब वो जानबूझ के एक गलत चीज़ लोगों के दिमाग में घुसा रहे हैं कि आपका नंबर, आप मतलब किसी दूसरे जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का नंबर है वो आप लोगों ने जानबूझ के वहाँ पर दे दिया है, जो कि गलत है। उन लोगों के दिमाग में जो है गलत जो है सोच पड़ रहे, गलत प्रभाव पड़ रहे हैं वहाँ पर, आप लोगों के बारे में गलत सोच रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है मेरे नाम पर क्यों दिया था, मैंने तो इसमें कोई बता भी नहीं था, इसने मुझे पूछा भी नहीं था कि मैं लोन ले रहा हूँ, मेरा नंबर दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप दोनों में अनबन होना चालू हो जाएगा, जो कि ये गलत है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों में जो है थोड़ा सा गलत फहमी कर दे, यहाँ पर जो भी है एक झगड़ा लगा दे दोनों में, ठीक है। तो रिलेशन खराब करने का भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, किसी का जो भी है किसी के बारे में किसी उकसाना, जो कि एक क्राइम है, ठीक है। तो ये लोग क्राइम पे क्राइम करते जा रहे हैं, आप लोग कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, क्राइम पे क्राइम ये लोग कंपनी लोग कर रहे हैं, एजेंट लोग कर रहे हैं, आप लोग कोई भी क्राइम नहीं कर रहे हो। आप डिफॉल्ट कर गए, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, बस बात यहीं पर ख़त्म। आप पेमेंट करोगे लेकिन टाइम चाहिए, लेकिन ये कंपनी वाले क्राइम पे क्राइम किस तरीके से करते जा रहे हैं, आपको डराना धमकाना, फेक नोटिस बनाकर आपको भेजना, RBI का नोटिस भेजना, कॉल्स पे आप लोगों के नाम पे गलत सलत बोलना, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाना, जो कि इल्लीगल है टोटली, हैक तो कर ही नहीं सकता, फ़ोन हैक कर रहे हैं आपका। अब RBI से लाइसेंस्ड है, इनके पास कुछ गाइडलाइंस है जो कि फॉलो करना पड़ता है, लेकिन करता तो कोई नहीं है फॉलो, छोड़ ही दीजिए इन लोगों का बात, ये करेगा ही नहीं फॉलो। अभी के टाइम में मानो कोई भी ऐसा करता है, अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक भी पैसा आप लोग पेमेंट मत करिए, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक भी पैसा आपको पेमेंट करना नहीं है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए पेमेंट करने का बात यहाँ पर कब आता है, जब आप पेमेंट करना चाहते हो, आपको पेमेंट करने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं वो, आपका इज्जत खराब कर रहे हैं, आपका रिपुटेशन खराब कर रहे हैं, आपका रिलेशन खराब कर रहे हैं लोगों के साथ, मतलब नुकसान आप लोगों को हो रहा है, कंपनी का नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान पे नुकसान आप लोग झेल रहे हो। यहाँ पर कंपनी कुछ भी नहीं कर रहा है, कंपनी का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, वो पैसा अगर आपसे नहीं निकाल पाता है वो दूसरे जगह से पैसा जनरेट कर लेगा, ठीक है, इतना बड़ा कैपिटल है उनके पास,
लेकिन आप लोग समझो कि अगर आपका नाम खराब कर देगा, इज्जत खराब कर देगा, अगर रिलेशन खराब कर देगा किसी के साथ, क्या वो सही करना पॉसिबल होगा? होगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी उस तरीके से जो पहले वाला रिलेशन था वो सही नहीं होगा, जो पहले वाला नाम था वो सही नहीं होगा। यहाँ पर गलत वो लोग कर रहे हैं। अगर मानो आप लोग पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कंपनी को आपने बता दिया, फिर भी आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर मानो आपके कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉल जाता है, अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वालों ने आपको फ़ोन करके ये बोला कि आपने लोन लिया है, मेरा नंबर वहाँ पर क्यों डाला, तो आप समझ लीजिएगा कॉन्टैक्ट वाले को फ़ोन किया है, क्योंकि आप तो फ़ोन नहीं उठा रहे हो। अब आपको नहीं पता वो कहाँ पर कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फ़ोन तो उठाना नहीं है कि आप फ़ोन उठाओगे उसके पास कॉल नहीं जाएगा, फ़ोन उठाओगे तो भी जाएगा, फ़ोन नहीं उठाओगे तो भी जाएगा। तो जाने दीजिए कॉल, अगर चला जाता है तो वहाँ पर एक ऐसा वर्ड आप यूज़ करिए, वो वर्ड यूज़ करने पर आप लोगों को रेजोल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो है आप लोगों को मिलेगा 100%, मैं बता रहा हूँ। अगर मानो आपको देखने को मिलता है कोई भी अगर बोलता है आपके नाम पे कि आपने लोन लिया था, मेरा नंबर वहाँ पर क्यों डाल दिया, वहाँ पर बोलिएगा कंपनी को फ़ोन करके, उस बंदे को फ़ोन करना नहीं है, उसको तो जो बोलना है बोल दिया है, ठीक है, उसको आप अपने तरफ से समझा दीजिएगा, कुछ गलत सलत कुछ भी आप बनाकर बोल दीजिए, कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है, कोई भी प्रूफ आप उन लोगों को दिखाने वाला नहीं है, ठीक है। वो कंपनी सिर्फ मुंह से ही बोलेगा ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन कंपनी को आप लोगों को बोलना है भाई तूने बहुत गलत कर दिया। RBI का गाइडलाइंस तो हम लोगों को जो है डराते हो ना, लीगल एक्शन लेगा, ये करेगा वो करेगा, तो मैं तुम लोगों को खुला चैलेंज कर रहा हूं, करके दिखा, लीगल एक्शन लेके दिखा, फिर मैं देखता हूं तुम लोगों के ऊपर जितना जो है प्रूफ है मेरे पास, अगर मैं दिखा दिया तो उल्टा केस तुम लोग खाओगे। बस ये चीज आप लोगों को बोलना है कॉन्फिडेंटली, बिना डरे, क्योंकि गलत तो वो लोग कर रहे हैं, आप लोग तो कर नहीं रहे हो गलत। आप लोगों को डरना क्यों है? यहां पर डरा रहे हैं वो लोग आप लोगों को, बार बार डरा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन आपको डरना नहीं है। गलत करेगा तो उसको जवाब गलत तरीके से ही देना पड़ेगा। आप लोग गलत नहीं कर रहे हो, आप लोग सही जगह पर हो। मुसीबत आप लोगों को है, आप लोग मुसीबत पे हो, तभी आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। टाइम चाहिए, पेमेंट करोगे, ऑनेस्टी है आप लोगों के अंदर, लेकिन कंपनी आप लोगों का जो भी है फ़ायदा उठा रहे हैं, डर का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और इस ये जो चीज़ें हैं ये टोटली गलत है, क्राइम पे क्राइम करते जा रहे हैं ये कंपनी वाले। तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अगर देख रहे हो कि कोई भी कंपनी आप लोगों को इस तरीके का प्रॉब्लम मतलब करवा रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं इस तरीके से कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाके, तो पैसा आप लोग मत दीजिए। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मत दीजिए, बात करिए, सॉरी बुलवाइए, कंपनसेशन लीजिए, नहीं तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट डाल दीजिए, केस कर दीजिए उनके ऊपर, लीगल एक्शन डाल दीजिए, उस मतलब लीगल जो भी नोटिस है उनके उनको भेज दीजिए उनके कंपनी के नाम पे। तुरंत आपके पास फ़ोन आएगा, आपको कंपनसेशन मिलेगा, लोन माफ़ हो सकता है, बहुत सारा चीज़ें आपको मिल सकता है, सॉरी भी बोलेगा, ठीक है, क्योंकि गलत वो लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, आपके पास प्रूफ है, ठीक है। RBI का गाइडलाइंस है, लॉ है, यहाँ पर किसी का नाम खराब नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर रहा है, मतलब फ़ोन हैक कर रहा है, SMS चेक कर रहा है, जो कि कर नहीं सकता, RBI का गाइडलाइंस है, लेकिन कौन सुनता है, कौन मानता है। तो यहाँ पर आप लोग ये स्टेप्स अप्लाई करो, डेफिनेटली आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग सॉल्यूशन मिलेगा 100%। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, सही तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।